हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है और इसी के चलते हमीरपुर में प्रदेश के 42 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों की विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने शिरकत की और सभी सदस्यों को आगामी दिनों के लिए टिप्स भी दिए। अभिषेक राणा ने कहा कि 2022 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर वे लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाएगा। इसी के चलते ट्रेनिंग आयोजित करवाई गई है ताकि सोशल मीडिया का हर सदस्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। दिल्ली में हुए दंगों को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन अभिषेक राणा ने दिल्ली चुनावों में भड़काऊ भाषण देने वाले सांसदों पर कार्रवाई न होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के द्वारा दिल्ली चुनावों में हुए गलत बयानबाजी के बावजूद भी ऐसे बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि दंगों को रोकने के लिए बीजेपी असमर्थ बनी हुई है और बीजेपी सरकार ही दंगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सांसद व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में गोली चलने के साथ दंगों के भड़कने की घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट अगर संज्ञान लेना चाह रहा है तो दबाव की राजनीति बनाकर जजों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसका आने वाले समय में कांग्रेस जवाब देगी। दिव्यांग एवं दरिद्र लोगों को समर्पित नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की हमीरपुर शाखा द्वारा निशुल्क दिव्यांग जांच, चयन व उपकरण वितरण तथा कृत्रिम अंग नाप शिविर का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। दिव्यांगों के लिए आयोजित इस शिविर में 70 से ज्यादा लोगों की राजस्थान से आई डॉक्टरों की टीम ने जाँच की। शिविर के उपरांत 15 लोगों को ऑपरेशन करने के लिए चयनित भी किया गया। वहीं 15 दिव्यांग लोगों को व्हीलचेयर व 11 लोगों को बैसाखियां और 12 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाने के लिए नाप भी लिए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने दानी सज्जनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा को लेकर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर मानवता की सेवा में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानवता की सेवा के लिए लोगों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों को देखकर हमारे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संस्था द्वारा मानवता की सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ऐसे कार्यों से समाज में सकारात्मकता बढ़ती है। मानवता की सेवा के लिए लोग समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। उन्होंने नारायण सेवा संस्था उदयपुर के संस्थापक कैलाश मानव द्वारा मानवता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संस्था की हमीरपुर शाखा के अध्यक्ष रसिल सिंह मनकोटिया ने कहा कि हमीरपुर शाखा आज यहां पर 5वां कैंप आयोजित कर रही है। संस्था द्वारा इससे पहले मंडी, कांगड़ा व ऊना में दिव्यांगों के लिए कैंप लगाए जा चुके हैं। अब तक शाखा द्वारा 700 लोगों को निशुल्क ऑपरेशन उदयपुर में करवाया भी गया है। उनके उदयपुर जाने और रहने का पूरा खर्च शाखा द्वारा वहन किया जाता है। ऑपरेशन के लिए चयनित दिव्यांगों को 2 महीने के अंदर उदयपुर में ही ऑपरेशन करवाया जाता है।
इस मौके पर शिविर में एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा, नगर परिषद की अध्यक्षा सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, नगर परिषद मनोज संस्था के उपाध्यक्ष बलदेव दिमान, गौ सेवा समिति के अध्यक्ष सुखदेव शास्त्री, भाजपा नेता प्यारेलाल शर्मा, बीना शर्मा, राकेश पठानिया और उदयपुर से शिविर के संयोजक अखिलेश अग्निहोत्री व डॉक्टर विजेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।